फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना। इस तरीके से पहले बीच से मांग को निकाल लेना है। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेनी है। सिंपली लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से घुमाना है। यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिएगा। ये मांग टीका हेयर स्टाइल है जो मैंने ट्राई किया, फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर दूसरी लेयर लेनी है जस्ट पहले वाले लेयर के ऊपर से, और इसको इस तरीके से घुमाना है और ऊपर ले जाके इस पर भी क्लिप लगा देनी है अच्छे से ट्विस्ट करके। ओके, और फिर दूसरी साइड से भी लेयर लेके आएंगे और इसको ऐसे सेट करना है। देखिए ऊपर से लेना, साइड से नहीं लेना है। ये साइड वाला आप करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये गलत हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से लेना है आपको लेयर और इसको ट्विस्ट करना है। इसको जो आपने पहले वाली लेयर ली है उसके नीचे से लेके जाना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको सेट कर देना है टिक टिक क्लिप से। ओके, आप अपना एडजस्ट देख लीजिएगा कितना कहाँ पे सही लग रहा है उसके हिसाब से। इसके बाद आपको दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं साइड मांग से इस तरीके से, और जो क्लिप ली है, क्लिप लगाई है उस क्लिप को ढक देना है। ओके, क्लिप को ढक दीजिए और दूसरी साइड से भी एक लेयर लीजिए और क्लिप को ढक दीजिए। ओके, और इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से दोनों साइड सेट कर दीजिए क्लिप लगा के, और ये आपका मांग टीका हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको सेट कर देंगे और ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल अभी कंप्लीट होने वाला है। इसको भी यहाँ पे सेट कर देंगे। बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज हेयर स्टाइल की आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, बिल्कुल न्यू और ट्रेंडिंग रहेंगी, क्योंकि मैं कहीं से कॉपी नहीं करती हूँ, अपने दिमाग से बनाती हूँ इसलिए। और ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड हेयर स्टाइल है। साइड की मांग निकालनी है, देन इसको ट्विस्ट करना है, इस तरीके से ट्विस्ट करना है। बहुत सारे अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी, जिस पर मैं अमेजिंग ड्रेस की डिजाइनिंग करती हूँ और कटिंग स्टिचिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सॉल्यूशन बताती हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिएगा जरूर। सिंपली इसको यहाँ पे कट कर देना है। ओके, इस साइड के हेयर्स को भी टिक टिक क्लिप से यहाँ पे सेट कर देना है। इधर के सारे हेयर्स को ट्विस्ट कर देना है। ये जो आपका हेयर डिस्टर्ब कर रहा है इसको आप क्लिप को ओपन करके ठीक कर लीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपली थोड़े थोड़े लेयर्स लेने हैं
दोनों साइड की। इसको ब्राइट बना देना है, एकदम लूज हाथों से बनाना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं खींचना है। ध्यान दीजिएगा एकदम पीछे से आपको लगे क्या है। ज़्यादा दूर तक आपको नहीं घुसना है, अगर आपके मीडियम लेंथ हेयर हैं तो वही तरह। अब बस आपको यहाँ पे सिंपली रबर बैंड लगा देना है। और ये आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका हेयर थोड़ा सा मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है तो आप एक और क्लिप ऐड कर दीजिएगा। ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट है। अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, बहुत ही ईजीली। बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा हेयर लेके आप इसको रबर बैंड को हाइड भी कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा अगर रबर बैंड मोटा है तो। यूपिन की मदद से सेट कर दीजिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे बताने का तरीका और ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।